क्या बोलते हैं क्वांटम्स और फोटॉन्स, क्वांटम्स और फोटॉन्स। यस कहाँ पे करा रहा था इसमें तो नहीं। लास्ट हेडिंग क्या कराई थी मैंने, चेक करके बताओ। कैन यू चेक एंड टेल मी तो आपने कुछ साउंड्स करवाए थे। किस चीज पे बेस्ड सम थे वो, क्या बताओगे? So find the energy of quantum which has a wavelength of. ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया तुम्हें, ई इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। नाउ द वैल्यू ऑफ एच इज कॉन्स्टेंट and the value of c is also constant. Yes, sir. तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ाया है चार्ज सिस्टम्स में, है ना। e इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 to 400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यूनिट्स कन्वर्जन करके डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, यू हैव टू रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ध्यान रहे, ऑलवेज रिमेम्बर, यू कैन नॉट पुट अनदर यूनिट्स इन दिस फॉर्मूला। ई शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम्स। कैन यू टेल मी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है इन जूल्स? चार्ज सिस्टम्स में पढ़ाया ना ये, यस और नो? यस सर। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स, और प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी पढ़ाया है इसको, दोनों जगह पढ़ाया है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स, one angstrom is equal to 10 to power minus 10 meters. This is you know, but जब भी इस फॉर्मूले में पुट करना है, then you have to put the values in electron volts, in lambda, then it will be very easier to solve. For example, मैं एक क्वेश्चन इस पे दे देता हूँ। Find the energy of a photon which has wavelength सर आपने ऊपर क्या लिखा है सर, वेरी क्या सर? अच्छा इम्पोर्टेंट, अच्छा हाँ सर ठीक है ओके। अच्छा हाँ, वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, दैट इज पैकेट ऑफ एनर्जी which has wavelength is equal to 5000 angstrom. Is equal to h c by lambda use करेंगे। बहुत बढ़िया, very good. Use तो करेंगे, लेकिन answer shortest तरीके से कैसे निकालोगे? Sir,
सर E इज इक्वल टू 12,400 by 5,000. यस वेरी गुड, उससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा. फिर अगर ऑप्शंस में जूल्स में दिया है देन यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स. इज दैट सिंपल. क्या करेंगे हम लोग, हम लोग बोलेंगे एक तो हमारे पास तरीका है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा में हम इनको कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करें, दैट इज अ मेथड. लेकिन हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी निकालने का. व्हाट इज दिस फॉर्मूला, इट्स लाइक दिस. तो ये एंगस्ट्रॉम में डाला है, देखो मैंने 5000 को अभी यूनिट कन्वर्ट नहीं की. ओके कितना आएगा 12.4 अपॉन 5, इसको सॉल्व करके बताओ. तो 5 टू जा कितना होता है 10, उसके बाद कितना बचा हमारे पास 2, 24, 20 हो गया. फिर कितना बचा 8. तो इतना आंसर आया कि नहीं आया सबका बताओ. अगर मुझे ऑप्शन में जूल्स में दिया है, नाउ वी कैन कन्वर्ट इन जूल्स आल्सो, एनर्जी इन जूल्स, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.16 × −19 जूल्स. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन and you will get almost 3.6. try and tell me it is 3.6 or not. utne hi aayega na ki 3 point aur zyada aayega aisa aaya. So both the answers are correct. 3.96. okay sir, wahan pe −1.6 chahiye na. नहीं माइनस में नहीं लेना होता कभी, इट्स अ मैग्नीट्यूडनल वैल्यू. ओके इट्स अ वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द मैग्नीट्यूड, यू डोंट हैव टू टेक इन माइनस एंड प्लस. ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, ऑलवेज क्या लेना है बोलो, मैग्नीट्यूड. इट्स जस्ट अ कन्वर्जन. वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो −1 ही का होता है, लेकिन हमें जब भी फॉर्मूले में डालना है तो विदाउट यूनिट लेना है इस फॉर्मूले में. ओनली मैग्नीट्यूड्स डालने, क्या डालने हैं मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड डाल के मैंने सिखाया था कि प्लेट्स अगर 1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाती है 1 eV. आया ना बोलो, ऐसा पढ़ाया था. उसी से ये फॉर्मूला बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ जूल्स. तो ये वैल्यू को पुट कर दिया मैंने और एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया. तो फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटाइज्ड है. एक फोटोन निकलेगा या दो निकलेंगे या तीन निकलेंगे या चार या पांच, कभी भी क्या 10.5 फोटॉन्स निकल सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं निकल सकते. तो फोटॉन जो है वो क्वांटाइज फॉर्म में निकलता है, पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, कभी भी वो आधा पैकेट 1/4 पैकेट करके नहीं निकलेगा. अब आगे थोड़ी बात कर लेते हैं इस पे. हाँ देखना ध्यान से,
मान लो मेरे पास फोटॉन्स हैं, बहुत सारे फोटॉन्स हैं ऐसे, वी हैव लॉट ऑफ फोटॉन्स। मान लिया फोटॉन्स हैं टोटल 10^20, और सारे फोटॉन्स सिंगल सोर्स से एमिट हो रहे हैं, इनका सोर्स जो है वो सेम है, तो जो लैम्डा या फ्रीक्वेंसी वो सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, कैसा है, अगर वो लाइट एमिटिंग सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक, तो मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब है यहाँ पे लाइट का वेवलेंथ का सिंगल वेवलेंथ जो दे रहा है, क्या दे रहा है, सिंगल टाइप ऑफ वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टाइप ऑफ लाइट जो एमिट करता है। जैसे कोई हम लोग रेड बल्ब लाते हैं, लाल कलर का बल्ब, वो सिर्फ लाल लाइट देता है, कोई हम येलो बल्ब लाते हैं, वो सिर्फ येलो लाइट देता है, व्हाइट कलर का जो बल्ब है उसमें एक लाइट नहीं है, देर आर विवियोर कलर्स, वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, या 3-4 कलर्स हैं आपस में मिक्स होकर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, जिसका लैम्डा जो है वो सेम रहता है, तो ये सिंगल सोर्स है, कैसा सोर्स है, ये सिंगल सोर्स है, और इसकी लैम्डा जो है हमने बता दी है कि इतनी है, तो हर एक फोटॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा, क्योंकि वो सोर्स से ही आ रहा है। इफ देयर आर एन इज इक्वल टू 10^20 फोटॉन्स एंड द लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल दी फोटॉन्स। कैसे करेंगे, कैन यू टेल मी, सर क्वेश्चन समझा नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? यस यस यस, एक फोटोन की एनर्जी तुम्हें पता होती है, हमारे पास कितने फोटॉन्स हैं, 10^20 फोटॉन्स, उनकी टोटल एनर्जी बतानी है, दैट इज द क्वेश्चन। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स इज 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज एमिटिंग 10^20 फोटॉन्स, देन फाइंड द टोटल एनर्जी एमिटिंग। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज एमिटिंग 10^20 फोटॉन्स इन अ गिवन टाइम, देन फाइंड टोटल एनर्जी एमिटेड। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि पहले एक फोटोन की एनर्जी फाइंड करने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, लाइक 10 वेरी गुड, यस दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, है ना, इट्स कॉमन सेंस, इट्स यूनिटरी मेथड। एक एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, बताओ, 100 रुपीज की ना, वैसे ही करना है। Yes or no? तो हर्षद ने आंसर दिया है 3.96 × 10^20, वी विल चेक इट, ओके, हम लोग भी चेक करेंगे उसको भी, अभी तो आंसर पता नहीं मुझे क्या है, बट हाँ वैसे ही आएगा कुछ जो तुमने सॉल्व किया है, आई थिंक सो, बट तुमने बताना होगा यूनिट क्या है हर्षद उसकी, जूल्स है, देन वी हैव टू चेक इट। आई डोंट थिंक द Units you have taken care of, है ना अर्शद, units का तुमने ख्याल रखा नहीं है ऐसा मुझे लगता है, तुमने joules लिख दिया है ना, I hope so। तो बिल्कुल सही बताया तुमने कैसर कि यहाँ पे कैसे होगा, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लूंगा, सारे फोटोन कितने हैं 10^20, एक फोटोन की एनर्जी अगर पता है तो 10^20 फोटॉन्स की एनर्जी नहीं पता कर पाएंगे क्या,
बोलो आया ना, बोलो भाई। यस सर। तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल रही है, ध्यान से देखना कितना आएगा। ऊपर निकाला था ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, ध्यान रखना। तो एनर्जी ऑफ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है, तो 10 की पावर 20 फोटॉन्स की एनर्जी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर पूछी जाती तो सही थी, कई बार इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इन जूल्स कितना होगा? इसको सॉल्व किया था मैंने, कितना आया था? 3.96। अब 1 मिनट ऊपर दिखाइएगा प्लीज। हाँ भी दिखा रहा हूँ, कितने जूल एनर्जी है बताओ। किसी को डाउट है इसमें? बोलो भाई, ऐसा कोई बच्चा है इसको नहीं समझ में आ रहा है ये? समझा सर। एक की निकाल लो एनर्जी, जितने दिए उनकी एनर्जी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हर एक फोटॉन के लिए अलग अलग लैम्डा दिया होगा, नहीं। द सिंगल सोर्स इज देयर, एक फोटॉन की जो वेवलेंथ है सेम वेवलेंथ सारे फोटॉन्स की है। द फोटॉन्स आर आइडेंटिकल हियर, ऑल द फोटॉन्स आर व्हाट? आइडेंटिकल। ऑल दी फोटॉन्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे एनर्जी के साथ है। इसकी एनर्जी भी ई, इसकी एनर्जी भी ई, ऐसे करके हमारे पास 10 to power 20 है। डन, ये क्वेश्चन हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइस का सवाल करा दे रहा हूं। फाइंड द रेंज ऑफ ई नॉट और विजिबल लाइट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबके पास असाइनमेंट की बुकलेट है ना? सर वो प्रॉब्लम सेट वाला कि दूसरा वाला पीडीएफ। पीडीएफ जो है जील एटॉमिक स्ट्रक्चर करके है, हाँ सर। उसमें असाइनमेंट 67 नंबर पेज से स्टार्ट है मोबाइल में, ठीक है? मोबाइल पेज तो असाइनमेंट वन सर लिख दो ना सर, ये पीडीएफ आप शेयर करोगे ना सर, आप यहाँ पे कहीं पे लिख दो ना सर, हमको फिर याद रहेगा। हाँ अभी लिख देता हूँ। हाँ सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स दिस एंड दिस,
थोड़े मिक्स क्वेश्चन है तो देखता हूँ आज कितना होता है उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ, ठीक है? पहले आज की क्लास के एंड तक जो है हम लोग इस पर बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये विजुअल लाइट अगर दी है, E नॉट का मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज E और E नॉट इज सेम हियर, नॉट बिग प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व इट? विजिबल लाइट की क्या इंफॉर्मेशन रहती है तुम्हारे पास? क्या इंफॉर्मेशन रहती है बोलो सर? क्या हम लोग लैम्डा को 4000 एंगस्ट्रॉम लेके कर सकते हैं? यस, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। यू हैव टू टेक लैम्डा मिनिमम 4000 एंगस्ट्रॉम टू मैक्सिमम 7500 एंगस्ट्रॉम एज पर एनसीईआरटी। एक्चुअल वैल्यूज आर 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम्स। In some books, they have written 8000 angstrom also. Means visible is something which is not calculative. आँखों से दिखने की बात है ना? So, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया उसको 8000 वाली भी दिख रही है आँख से, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया उसको 7000 तक दिख रही है, तो ऐसा है वो, उसमें थोड़ा सा इशू है 200 angstrom तक का। NCERT ने जो लिया है JEE mains में जो पूछते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज का ही पूछते हैं। सो यू हैव टू टेक लैम्डा मिनिमम 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा मैक्सिमम 7500 एंगस्ट्रॉम। नाउ टेल मी व्हाट आर द रेंज, व्हाट इज द रेंज एक्चुअली? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है इसमें से बोलो, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड। रेड सर। वेरी गुड। किसकी वेवलेंथ सबसे कम? वायलेट। बहुत बढ़िया, जिस कार्तिक तुम भी ने सही बताया। अच्छा हाँ, तुम लोगों को पिछले सवाल समझ में आया था अर्शद, तो तुमने सही सॉल्व किया था, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंटोमोनाइटिस आल्सो। ओके, यस, बताना भूल गया। हेलो, अभी बोलो इसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आएगी? 3.1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड, कितनी आएगी जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा? यस और नो? यस सर। इसकी कितनी आएगी भाई, सॉल्व करके मुझे बता दो। 1.65 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1.65 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व करके देख लिया। नाउ अभी जो रेंज है वो कहां से कहां आएगी? लेस टू मोर होती है, ठीक है? ये वाली किसकी है? रेड की। ये वाली किसकी है? वायलेट की। आया ना, ऐसे ही होता है, नोट कर लो जल्दी से इसे। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, पूछ लो जल्दी से डाउट्स।
सर हमको साथ साथ में एनसीईआरटी रीड करते जाना है या फिर जील के नोट्स काफी है, बाद में कभी लेक्चर हो जाएगा तब एनसीईआरटी रीड करें? यस, एनसीईआरटी लाइक दैट कि अभी रीड ना करो अभी, क्योंकि उसमें जो उसकी थ्योरी जो है वो कई जगह पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत कम वर्ड्स में उन्होंने ज्यादा लिख दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया उसको। लेकिन सील के बुकलेट से अगर पढ़ोगे, अगर इफ यू वांट टू रीड, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वी डोंट रिकमेंड एनसीईआरटीज फॉर फिजिकल और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए जब हम केमिकल बॉन्डिंग पीरियडिक स्टार्ट करेंगे देन एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है। फिजिकल भी अच्छा लिखा है उसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है उन्होंने कम लिखा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, उन्होंने लेस वर्ड्स में लिखा है तो उतना समझ नहीं आएगा तुम्हें। बुकलेट से पढ़ लोगे, अगर कहीं पे पढ़ने की जरूरत है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यू हैव टू स्टडी समथिंग देन ओके, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरी प्लस एवरीथिंग इज देयर, न्यूमेरिकल सब कुछ है, रीड आउट कर सकते हो एनसीईआरटी आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, डन सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लिखो। A 50 watt bulb, 50 watt bulb, उसकी हम बात कर रहे हैं, बल्ब की। बल्ब जो होता है वो फिलामेंट वाला भी होता है, एलईडी भी होता है। इस बल्ब की जो एफिशिएंसी है वो 50% है सिर्फ, इज एमिटिंग अ मोनोक्रोमेटिक, एक मिनट, सॉरी गाइस, देखो ए 50 वॉट बल्ब इज एम्प्टिंग ए मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड by the bulb in 1 second. Now question अच्छे से पढ़ लो, और आई थिंक इसमें दो तीन चीजें तुम्हें कम समझ में आ रही है, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ उनका मतलब क्या है। मान लो ये एक कोई बल्ब है, इस तरीके कोई बल्ब लगा हुआ है, फिलामेंट बल्ब है, ओल्ड स्टाइल फिलामेंट बल्ब। कितने वॉट का है ये?
बोलो 50 मतलब इसको हर सेकंड कितनी जूल एनर्जी देनी पड़ती है हमको, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉट, क्या बोलते हैं, पावर की यूनिट है ये, किसकी यूनिट है, पावर, जूल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी जूल्स एनर्जी कोई एमिट कर रहा है या ले रहा है इसको बोलते हैं पावर। तो बल्ब जब लेते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है, उसकी पावर, कि ये बल्ब 10 वॉट का है, ये बल्ब 8 वॉट का है, मतलब ये एक सेकंड में 50 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतनी जूल्स एनर्जी है कंज्यूम करेगा, सच में ये 50 जूल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ बोलो 50%। 50% तो मतलब क्या है, ये बल्ब का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बल्ब, बोलो क्या बल्ब का काम क्या होता है, फॉर हीटिंग, नहीं हीट के लिए तो बल्ब का काम नहीं होता ना, बल्ब का काम टू एमिट लाइट, हाँ हीट करके लाइट एमिट करता है, वेरी गुड, बट जो इसने आंसर दिया वो एक्चुअली सही है, टू एमिट लाइट, लाइट देना इसका काम है, इसका काम क्या है, लाइट देना, ये हीट करके लाइट देता है, यही इसकी क्या है एफिशिएंसी कम हो गई, इसीलिए जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, 70% 80% और भी ज्यादा एफिशिएंट आने लगे आजकल, लेकिन ये पुराने वाले बल्ब एफिशिएंट कम होते हैं, ये एनर्जी हमारे सर्किट से 50 जूल्स ले रहे हैं पर सेकेंड, लेकिन लाइट में कितनी कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ, बोलो 25 जूल, बोलो तो सर 25 वॉट, कितनी सर 25 जूल पर सेकंड और वॉट, यस 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 25 बोल रहे हो ना सारे लोग, 25 बोल रहे हो, वेरी गुड, बाकी की कहां गई, वेयर 25 जूल बाकी कहां गई पर सेकंड, किस में चली गई, वो हीट में चली गई, हीट एनर्जी, हाँ वेरी गुड, वो हीट के फॉर्म में चली गई, पुराने वाले बल्ब से गर्मी हो जाती है रूम में, ज्यादा देर से जला दो गर्म जो है हीटिंग इफेक्ट आ जाते हैं, तो ये हाँ सिर्फ और सिर्फ 25 जूल्स पर सेकेंड तक ही कर पाता है। ओके नाउ हमने ये फोटॉन्स निकालने एक सेकंड में कितने हैं, लेट्स से n फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स, n फोटॉन्स आर एमिटिंग इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, बोलो n, n आ रहे हैं, वेरी गुड, ना मुझे बताना ध्यान से सुन के बताना, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, बोलो अभी तो समझ गए कैसे सॉल्व होगा, n फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, बोलो c by lambda into n, और ये एनर्जी है कितनी, n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, एक सेकंड में जो एनर्जी है कितनी है वो टोटल, बोलो 25 जूल, हो गया सॉल्व, फिर बाकी सब तो पता है ना तुम्हें, यस और नो बताओ, हाँ सर, सर लैम्डा की जगह पे एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, नहीं अभी नहीं, क्योंकि पहले एंगस्ट्रॉम में अगर लिखोगे भी ना तो पहले इसको इस तरीके से एंगस्ट्रॉम में लिख के इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकाल लो, फिर जूल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन जूल्स फाइनली, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ सर, कि दोनों तरफ जूल्स होना चाहिए ना, इधर जूल्स तो उधर भी जूल्स, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट जो एनर्जी है ये वाली एस सी बाय लैम्डा एक इलेक्ट्रॉन की, दैट इज ई या ई नॉट, एक फोटोन की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, उसको कन्वर्ट कर लो जूल्स में, देन यूज दिस इक्वेशन यहीं पे,
और मुझे n बताओ कितना आया. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स 3 मिनट्स टू सॉल्व. है चलो जल्दी. सर इसमें ये हो जाएगा ना 12,400 by lambda in Armstrong is equal to 25 joule. हाँ लेकिन वो जो lambda है ना वो उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, उसको joules में कन्वर्ट कर लेना. SC by lambda जो आएगा वो joules में कन्वर्ट करना. आंसर आने लगे. लैम्डा 6000 है ना बच्चे. ऊपर देखो, ऊपर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है ना 6000 एंगस्ट्रॉम. लिखा नहीं क्या तुम लोगों? देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो है ना. कैन यू सी इट? कई बार मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ लिखना, बट इस बार मैंने लिखा है. ओके okay? सॉल्व द क्वेश्चन. सर आंसर 7.59 × 10⁻¹⁹ है. 10⁻¹⁹ कितना? 19. हाँ. वो सही है. यस वेरी गुड. वैसे ही आएगा. वेरी गुड. ऐसे ही आंसर आएगा. सबका आंसर आना चाहिए इस बार. आई हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम. चलो मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करना तुम लोग आंसर सेम है कि नहीं. इन लोगों ने आंसर नहीं बताया है. लॉट ऑफ आंसर्स आर देयर. हाँ मानसू भी देखो 7.584 वो तुम्हारा आगे का आंसर सही है, मीन्स इनिशियल्स आर करेक्ट. लेकिन पावर भी तो आएंगी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए बच्चे, मुझे आंसर चाहिए नंबर्स में. जूल्स नहीं बच्चा, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती ना. नंबर का मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट अ नंबर. उसकी यूनिट नहीं होती ना, वो तो काउंटिंग नंबर होते हैं. जूल्स से जूल्स तो कट जाएगा ना दोनों तरफ. देखो मैं सिखाता हूँ. देखो मैंने यहां तक तो लिख दिया था. नाउ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये मैं अलग से निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ. ठीक है, अलग से निकाल के दिखाता हूँ. इसका फॉर्मूला है ना हमारे पास, लाइक दिस है या नहीं? अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ. 124/60 आ गया.
124 बाई 60 आ गया, और कितना आएगा ये 2.06 आया ना सबका, बोलो ना। यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करो इसको, सर जूल्स में। यहाँ तक सही किया था कि नहीं किया था बोलो। यस सर। अब ये वैल्यू पुट करना है उसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में, जूल्स में देखो, मैं दोनों तरफ जूल्स में होना चाहिए ये वैल्यू हमें निकाल ली। ऐसा, और यहां से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोग को, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करके बताओ कितना आया, लगभग 7.5 क्या है? 7.5849 इनटू 10 to the power 19। 7.5849। ठीक है, 7.58 ले लेता हूँ मैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सबकी अलग अलग आएगी, किसी की 7.58 आई होगी, 7.59 आई होगी, ये सब टू यू कैसे तुमने कैलकुलेट किया है, बट ये सब सही है, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं होता। ओके, समझ रहे हो? अत्रिया का भी सही है, और श्रेयस तुम देख लो कहाँ पे गलत किया था। ठीक है अत्रिया, तुमने जूल्स लिख दिया, जूल्स नहीं आएगा बच्चे ना, समझ रहे हो कि नहीं? अभी फर्स्ट में वो गलत किया था। यस सर, समझ गई। कैलकुलेशन नहीं, हाँ कई लोगों ने लिखा था इसलिए बता दे रहा हूँ। यस वेरी गुड, तो ये सब कट जाते हैं ना जूल्स इधर उधर। दीज आर नंबर्स, इतने नंबर्स, ये कम है या ज्यादा है? दीज आर लॉट ऑफ फोटॉन्स, है ना, दीज आर लॉट ऑफ फोटॉन्स। तुम्हारा आया है अर्शद 7.59, सही है, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले उस बल्ब से एक सेकंड में इतने इतने फोटॉन्स दे रहा है ये फॉर द लाइट, लाइट देखने के लिए हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। डन, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ध्यान से सुनना, इसी चीज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ bonds in a molecule using a photon, we are using photons। अच्छा तुम्हें ये पता होगा कि जो molecules बनते हैं उनमें chemical bonds होते हैं, yes or no? Yes sir। Yes sir। Pr2 है, Cl2 है, O2 है, इनमें सब में क्या है? बॉन्ड्स। आगे एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पढ़ाया जाएगा। चूंकि ये नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट्स। कैसे बॉन्ड्स? नहीं पता है, आगे पढ़ाया जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ सिंगल बॉन्ड या डबल, अभी क्या होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कितना चाहिए फोटोन? एक फोटोन। एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने फोटॉन लगते हैं बोलो? ये पूरा एक बॉन्ड काउंट किया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसके लिए दो फोटॉन्स लगेंगे। नहीं, इसके लिए हम यही बोलेंगे कि इसके लिए एक साथ में एक ही फोटॉन लगेगा और ये पूरा बॉन्ड डबल बॉन्ड बोला जाएगा।
अभी के लिए ऐसे सीखो, बहुत प्रैक्टिकल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो कोई डंडे नहीं होते हैं जैसे हमें दिख रहे हैं ना यहाँ पे, यस और नो, ऐसा लग रहा है ना, देयर आर रॉड्स, दीज आर नॉट रॉड्स एक्चुअली, आगे चल के पता चलेगा दीज आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. क्या है ये? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विच आर शेयर्ड. तो यस, एक एक करके भी बॉन्ड टूटते हैं, एक साथ भी दोनों टूटते हैं, बट हम लोग हमेशा यही बोलेंगे कि अगर किसी को एक फोटोन दिया तो ये वाला बॉन्ड पूरा टूट जाएगा. तुम्हारे यहाँ पे जितने भी सवाल हैं इस पूरे चैप्टर में वो डबल बॉन्ड पे है ही नहीं, बट मैंने तुमको बता दिया है कि उसके लिए भी हम एक ही फोटोन मानेंगे, हम मानेंगे एक साथ पूरा टूट गया, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी दी रहती है, जो इसकी क्या दी रहती है, बॉन्ड एनर्जी, उसका मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ब्रेक अ बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड एनर्जी. ये काम चलाओ डेफिनेशन हो गई. काम चलाओ मीन्स इन जनरल ऐसे ही बोलने के लिए, कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, दैट्स इट. बहुत अच्छी है डेफिनेशन ये. यस 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 मानसर, यस, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए, दैट्स इट. इतना ही याद रखना तुम्हें, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एक ही फोटोन काफी है, बस उतनी एनर्जी दो जितने से तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे. बट आगे चल के समझ में आएगा प्रैक्टिकली, ऐसा अलग बात है वो जो आगे आएगी उसमें क्या होगा, कि हम पहले एक बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर तीसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, तो वो केमिकल रिएक्शंस की बात है. यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ओ को तोड़ करके ओ प्लस ओ बनाने हैं, एटॉमिक फॉर्म में लाना है. तो हम इसको एक बार में डायरेक्ट तोड़ने की बात करते हैं. अच्छा, इसलिए ये ऐसा किस लिए करना पड़ता है, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डबल बॉन्ड की एक साथ गिवन होती है, ट्रिपल बॉन्ड की एक साथ गिवन होती है. तो एज पर द क्वांटम थ्योरी हम क्या बोलते हैं, एक फोटोन इज सफिशिएंट टू ब्रेक होल बॉन्ड, एक साथ दोनों को तोड़ देगा. दीज आर नॉट लाइक रॉड्स, ये पहले एक रॉड तोड़ेंगे फिर दूसरी रॉड तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जस्ट उनको हटाओ. मींस जिसके लिए लेजर जो एक फोटोन की रे देगा वो लगेगा ना. यस यस हर्षद, वेरी गुड, एक फोटोन की रे. तो तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन बनता है वो Br2Cl2 एटसेट्रा पे ही आएगा, बिकॉज दीज आर वेरी मच इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना, और उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. बट बॉन्ड एनर्जी की रियल डेफिनेशन पढ़ने के लिए तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि वन मोल क्या होता है. कौन मुझे बताएगा व्हाट इज वन मोल? कौन बताएगा व्हाट इज Na? सर, नंबर ऑफ एटम्स इन अ पार्टिकल. नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, कितना आसान है, तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया. वेरी, वन मोल 6.02 × 10³ होता है. दैट्स इट, वेरी गुड. Na इज अवोगाड्रोस नंबर, अत्रिया वेरी गुड. उसकी वैल्यू केसर ने बताई है कितनी होती है, 6.022. यस, हर्षद ने भी पता है, सबको पता है आई थिंक. जैसे एक डजन कितना होता है सर? उसको अवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं ना. हाँ, अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं. वन डजन कितना होता है बोलो? 12 things, 12 articles, 12 things. वन पेयर कितना होता है? 2 things. वैसे वन मोल क्या होता है? Na नंबर ऑफ थिंग्स और पार्टिकल्स. Na की वैल्यू कितनी है? अभी समझ में आया कि नहीं? ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स, जिन्हें की एटम मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी चीज के लिए लगा दो. पर जनरली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक चीजें ही छोटी होती वो पॉसिबल होती. इस Na को क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर. क्या बोलते हैं इसको? ये इनके रेस्पेक्ट में रखा गया, ऑनर में. In the honor of Avogadro, the value of 6.022 × 10²³ is called Avogadro's number, and it is denoted by N subscript में A. ठीक है? किसी को doubt अभी तक? समझ गया Na क्या है? It's just a number. What is mole? Mole क्या है? A number. एक number है mole. जैसे एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 चीजें. एक डजन का मतलब क्या होता है? 12 थिंग्स. ऐसे एक मोल का मतलब होता है
कितनी नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी 6.022 × 10⁻¹⁰, लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने बोला मेरे पास 1 मोल चेयर है, अरे पावर भी तो है, पावर लगाओगे तो ये डेसिमल तो गायब हो जाएगा ना. अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. मुझे मुझे क्या बनवाओगे तुम, 20 जीरो बनवाओगे क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. इतने नंबर्स, इसमें डेसिमल तो गायब हो गया ना, इतने नंबर्स को एक मोल बोलते हैं. ये सुनो, अभी समझा नहीं? हाँ सर, ये हमारा 1 मोल है. बताओ इतने मोल्स तो काफी बड़ी वैल्यू है, ये तो लॉट्स ऑफ नंबर. यस, तो अभी क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जैसे जो सेल्स होती है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, और सेल्स के अंदर भी एटम्स होते हैं. तो एटम कितना छोटा होता है समझो, तो है ना, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उसे मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर के जो है और भी चीजें बनती हैं, फिर वो मिलकर सेल बनते हैं. तो ऐसे तो बहुत, यू कैन से इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, क्या जो भी एटम्स या वो होते हैं. मोल तो एक नंबर है, मोल बोलता है मुझे किसी में लगाओ. अगर आपके पास इतनी चेयर है कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या, मैं तो नंबर हूँ. आपके पास इतनी चेयर होनी चाहिए बस. आपके पास इतने पैसे हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसे होने चाहिए. आई एम देयर फॉर यू हेल्प, लाइक दिस. ओके, तो भाई यही बातें हैं सब. लेकिन अभी जो डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की, वो थोड़ी स्टैंडर्ड है, उसको मैं लिखा देता हूँ, फिर समझना तुम लोग. बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a type of bonds. मतलब 1 mole bonds को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन की गई है. एक्चुअली यूनिट क्या होती है, एक के लिए भी है, ऐसा नहीं कि एक के लिए नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इस फॉर्म में डेटा दिया रहता है इसका. 1 mole bonds के लिए एनर्जी जो चाहिए उसको क्या बोलते हैं, जूल्स पर मोल, यूनिट है, और किलो जूल पर मोल. पर मोल का मतलब 1 mole ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स, 1 mole ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास Br2 है, क्या है मेरे पास, 1 mole Br2. तो 1 mole Br2 में कितने ये वाले सिंगल बॉन्ड होंगे, हाउ मेनी बॉन्ड्स विल बी देयर, बोलो कितने बॉन्ड्स होंगे, 1 mole बॉन्ड्स. इन 1 mole बॉन्ड्स को एक मिनट सर, आई एम कॉपिंग डाउन सर, सॉरी. कौन सा वाला, और ऊपर करूं? नहीं सर, वही बी से कर रही हूं सर, बॉन्ड एनर्जी से. ठीक है, लिख लो पहले तुम लोग, फिर बताता हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, पहले बताइए, नोट कर लो. अच्छा नोट आ रहा है सर, पहले नोट कर लो, फिर से जो है तुमको मैं बताता हूँ कि अगर क्वांटाइज्ड जो नेचर होते हैं उसके हिसाब से. अच्छा वैसे जिसका भी नोट नहीं हुआ है बाई चांस, उसको देखने को मिलेगा, आई विल शो अगेन. ओके, फिर से दिखाया जाएगा उसको. ठीक है, यू विल गेट, we'll get to see. अच्छा अभी चालू करूं, लिख लिया, देखो. अच्छा देखो क्या ये, the amount of energy required to break 1 mole of a type of bond, that is same type of bonds. एक ही टाइप के बॉन्ड सारे के सारे हैं 1 mole, उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगी वो जूल्स या किलो जूल्स में दी होती है for 1 mole. ये डेटा इसी फॉर्म में दिया रहता है, एक बॉन्ड के लिए डेटा दिया नहीं रहता है, डेटा दिया रहता है 1 mole के फॉर्म में. तो हमें इसको समझना पड़ेगा. नाउ अब मुझे ये बताइए आप लोग कि अगर 1 mole Br2 के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो वो एनर्जी दी रहेगी कि नहीं दी रहेगी, डेटा गिवन रहेगा? यस, पर मोल डेटा गिवन रहेगा,
लेकिन वो जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो किस चीज से ब्रेक होंगे, व्हाट इज रिक्वायर फॉर दैट? फोटॉन्स। कितने मोल फोटॉन लगेंगे अगर एक मोल हमारे पास बॉन्ड से? सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स ना, वन मोल। कितने लोगों को ये समझ में आया कि अगर वन मोल बॉन्ड से तो वन मोल फोटॉन लगेंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। मैंने शुरू में ही बताया था, क्या बताया था? बिकॉज वन फोटॉन विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू ओनली वन बॉन्ड। एक ही बॉन्ड को एनर्जी ट्रांसफर करता है, एक मॉलिक्यूल को ही एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा गाइस, जैसे Br2 मॉलिक्यूल एक है ना, तो एक मॉलिक्यूल को एक फोटोन एनर्जी देगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है। अगर वन मोल बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं तो वन मोल फोटॉन्स लगेंगे। तो अगर मुझे H2O में क्या होगा? H2O में थोड़ा अलग होगा, उसमें दो बॉन्ड्स होंगे, एक फोटॉन इधर एक फोटॉन इधर, ठीक है? उस पे नहीं जाएंगे हम लोग, वो हमारे यहाँ पे जरूरत की चीज नहीं है अभी, तो इसलिए उस पे नहीं जाएंगे। बट तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें इस बॉन्ड के लिए अलग फोटॉन लगेगा, इस बॉन्ड के लिए अलग फोटॉन लगेगा। ओके, एग्री सर। तो भाई अब ये बताओ कि अगर मैं इस पे क्वेश्चन दूं तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे इतने कॉन्सेप्ट से? यस सर। चलो करो, अभी सारे लोग करेंगे, नोट करने वाले अभी, हाँ नोट करने का टाइम तुम्हारे लिए मैं दे देता हूँ। अगर कुछ टेक्स्ट बुक के सम्स मत कराओ ना सर, वो हम करते हैं ना सर, आप दूसरे दो ना, फिर सर बचता कम है क्वेश्चन। क्यों, असाइनमेंट दूंगा ना मैं सर, ये टेक्स्ट बुक का ही है ना अब जो अभी देने वाले हो। टेक्स्ट बुक का तो दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट जो है ना वो पीछे है, ये इन क्लास एग्जांपल्स हैं। क्या है ये? ओके, मतलब मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, डेटा गलत हो जाएगा ना। अच्छा, कैसे याद रहेगा कि कितनी एनर्जी होती है? और कई बार तुम्हें ऐसे लग सकता है कि सर ने Br2 की मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी बताई थी, तो वो डेटा एक्चुअल होता है ना, प्रैक्टिकल डेटा होता है। जो ऊपर वॉट वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, दैट्स आर्बिट्री डेटा, वो गलत नहीं होता, वो वैलिड है। लेकिन कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हम अपनी मर्जी से हम लोग ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चक्कर, कोई हम लोग मशीन तो बनाने नहीं जा रहे, कुछ गलत हो जाएगा। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बट हाँ, Br2 वाले सवाल बहुत सारे हैं, यू विल सी, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। असाइनमेंट वन असाइनमेंट टू दोनों में है। Okay, लेकिन हाँ, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मैं असाइनमेंट से नहीं दूंगा, मैं किससे देता हूँ, इन क्लास एग्जाम्पल्स, जो लेक्चर नोट्स के अंदर एग्जाम्पल्स को, ठीक है? वो तुम लोग कर सकते हो, उसको हम प्रैक्टिस में भी करते हैं ना, डिस्कस प्रैक्टिस में भी हम उसको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें से, ताकि डेटा हमारा गलत ना हो, जो एक्चुअल डेटा है उस पर हमारा सवाल हो जाए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज 194 किलो जूल पर मोल। पर मोल को मोल इनवर्स भी लिखते हैं ना। अब लिखो द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड विल बी। वेव नंबर यहां पे लिखा है ना, तुम वेवलेंथ भी निकाल लेना, ऑल्सो वेवलेंथ, क्योंकि दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, इट्स नॉट अ बिग डील। डेटा भी दिया हुआ है इन्होंने, तो कई बार हम डेटा जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको यूज करते हैं, और एग्जाम्स में डेटा इसलिए दिया जाता है ताकि सारे बच्चों का आंसर एक जैसा आए, फिर कोई बच्चा ये ना कह पाए कि मैंने ये वैल्यू इतनी ले ली थी। ये सुनो, इसलिए एग्जाम्स में डेटा गिवन रहता है पहले से, और एग्जाम्स में जो डेटा दिया हो उसको ही यूज करना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो फिर जो बताया गया है, जो
एक्चुअल डेटा है वो यूज कर लो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ पढ़ के। ओके वेरी गुड। नाउ ऑल इट सर एक बार एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन? करूंगा क्वेश्चन को देखो। देखो लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज 194 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल Br2 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 194 किलो जूल। यहां तक समझ में आया क्या? हां जी सर। मतलब 1 मोल रिक्वायर्ड है ना सर, मतलब ब्रेक करने एक बॉन्ड को? क्या बोलो सर? मतलब हम बॉन्ड एनर्जी को मतलब मतलब वो एनर्जी ढूंढना है ना 1 मोल को ब्रेक करने के लिए। हाँ 1 मोल ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी है बॉन्ड एनर्जी। हाँ सही बोला तुमने, फोटॉन्स के फॉर्म में उतनी एनर्जी चाहिए ये बोल रहे हो ना सुरेश? यस सर। वेरी गुड। तो कितने फोटॉन्स लगेंगे पहले बताओ, अगर 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक करने तो कितने फोटॉन्स लगेंगे? बोलो जुआन बोलो। 1 मोल लगेंगे ना, कितने लगेंगे? यस सर 1 मोल। 1 मोल हाँ, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? Hc/लैम्डा ना? यस सर। तो Hc/लैम्डा में लैम्डा ही तो नहीं पता है, उसको सॉल्व कर लो। 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी शुड बी इक्वल टू कितनी? 194 किलो जूल्स। अभी आया समझ में? यस सर। सर नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए तो सर सर नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए भी हम एवोगाड्रोस नंबर यूज करेंगे ना? यस, 1 मोल का मतलब ही वही होता है, 1 मोल मतलब दैट्स अ नंबर, समझे? एवोगाड्रोस नंबर ही तो होता है 1 मोल, और क्या? मतलब जितने Br2 के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने Br2 के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही Br2 के अंदर Br सिंगल बॉन्ड Br's हैं। यस सर। उतने ही मोल्स ऑफ फोटॉन्स भी लगेंगे, दैट इज 1 मोल मींस एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। सर तो ऐसा होगा ना सर, मतलब Hc मतलब Hc के वैल्यू दिए और हमें लैम्डा ढूंढना है, तो Hc/लैम्डा इक्वल टू 194/एवोगाड्रोस नंबर, वैसा होगा ना? हाँ वेरी गुड, सही है। वैसे भी करो, जैसे बने वैसे करो, सब सही है। तो वेव नंबर आ गया है केसर का 1.62 × 10⁶। आई डोंट नो इट इज करेक्ट और नॉट, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट फॉर इट। मुझे यूनिट भी नहीं बताई तुमने ना, तो पता नहीं चल रहा मुझे, यू हैव टू टेल मी यूनिट आल्सो। सर मीटर। हाँ मीटर, मीटर इनवर्स क्या बोला? हाँ सर वो मीटर इनवर्स। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो भाई जल्दी से। मीटर इनवर्स है तो सही हो सकता है आंसर तुम्हारा। एंगस्ट्रॉम भी बता सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। चलो मैं देखो करके दिखाता हूँ, ध्यान देना बात का। हमारे पास Br2 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं बोलो? 194 किलो। वो तो एनर्जी है, नंबर्स पूछ रहा, नंबर्स 1 मोल। ओके ओके सुरेश ओके। कितने फोटॉन्स चाहिए हमें टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स? 1 मोल। ऐसे करके 1 मोल है, ये एक नहीं है, जैसे ये Br2 मॉलिक्यूल एक बनाया ना मैंने, ऐसे दूसरा Br2 मॉलिक्यूल भी होगा उसके लिए एक फोटॉन, तीसरा Br2 मॉलिक्यूल के लिए एक फोटॉन, ऐसे करके कितने हैं टोटल बोलो? 1 मोल। तो अब मुझे बताओ टोटल जो एनर्जी लगी है पर मोल मॉलिक्यूल्स के लिए वो कितनी लगी है? 194 किलो जूल, 3 जूल्स। ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? एन इंटू Hc/लैम्डा के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? फिर Hc/लैम्डा क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ये वाली इक्वेशन कितने लोग को समझ में आई? ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इज बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन।
मैं लिख भी देता हूं, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू ई नॉट, वेयर ई नॉट इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? है ना? तो टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है एक ब्रेक, एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए? ये देखो लिखा है 194 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी। नाउ सॉल्व इट। एन कितना है, कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन ए, एन ए की वैल्यू कितनी होती है? 6.0 to 20. अब इन्होंने 6. हाँ, इन्होंने 6. एच की वैल्यू दी है 6.62, तो वही लेना है। सी की वैल्यू हमें 3 × 10⁸ लेना है। लैम्डा हमने निकालना नहीं है, 1/λ निकालना है फर्स्टली। लैम्डा भी मैंने बोला था निकाल लेना, चलो मैं 1/λ ही डायरेक्ट निकाल देता हूँ। मैं सॉल्व करने के लिए चीजों को थोड़ा एक जगह पे इकट्ठा करता हूँ। सबसे पहले नंबर्स को लिख लेता हूँ, ठीक है? ऐसे किया है ना तुम लोगों ने भी, पावर्स को एक जगह लिख लेता हूँ, है ना? ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था, बोलो पहले। ऐसे करना चाहिए, ठीक है? कितनी पावर्स यहाँ पे बचेंगी? ये नंबर नीचे लेके आता हूं मैं यहाँ पे, ये पावर्स कितनी बची बताओ? 23 + 8 कितना होता है? 31। 31 - 34 कितना आएगा? माइनस का 3। बोलो यस और नो। नाउ 1/λ मुझे निकालना है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ये पूरा कितना आएगा? 194 upon 6.022 6.62 into 3 into 10 to power 3 upon 10 to power minus 3। देखो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि कटेगा कि नहीं कटेगा। यू कैन सॉल्व एंड टेल मी डायरेक्टली इफ यू वांट दिस वैल्यू, डोंट यूज कैलकुलेटर प्लीज। कैलकुलेटर रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। यू कैन अप्रोक्सीमेट, 6.022 को तुम 6 ले लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। 6.62 को तुम 6.6 ले लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। 3 को तुम 3 ले लो, नो प्रॉब्लम। For here, in exams, the calculation will be not that much difficult. I can tell you very well. कितने लोगों का आंसर आया था ये? Tell me. Hand raise करो. Raise the hands. केसर का केवल एकदम correct है. Very good answer. बाकी बच्चे बताएं मुझे क्या दिक्कत है करने में, बताऊं? वेयर यू हैड प्रॉब्लम या वेयर यू हैव प्रॉब्लम, कहां पे तुम्हें दिक्कत है बोलो? इस पूरे, थोड़ा बड़ा है, आई नो इट्स अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन मान लो यहां तक की कैलकुलेशन तो कर ही सकते थे ना, आया ना? बोलो, इतना तो आसान है ना। अब देखो मैं तुमको आसानी से कैलकुलेशन करा देता हूँ बिना कैलकुलेटर के, कैसे करना है देखो। ये 194 है, ये 6.3 का कितना होता है? 18, और ये 6.6। अब देखना, 18 10 का कितना होता है? 180, और 180 में 18 जोड़ो कितना आएगा? 198, लगभग 11 टाइम्स जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग। इसको डिवाइड करो, तो साइड में डिवाइड कर लो ऐसे करके। हाँ, आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा भाई, उतना तो बताओ मुझे, ना भी तुम लोग ने बताया नहीं। अब 10 × 4 = 0 कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 6 टाइम्स 18 × 6 = 36 और 3 = 39। देखो मैंने ऐसे भी आंसर ला दिया तुम्हारा, 1.6 ऑलमोस्ट। हाँ, है ना? बोलो
समझे? वेरी गुड। देखो अप्रोक्सीमेट करके भी ला सकते हो आंसर, कैलकुलेटर यूज करना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑप्शंस भी तो होते हैं। एक एक क्या लिख रहे हो अत्रिया? एक क्या मतलब? एक है? एक क्या मतलब? सही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? 1.62। ओके ओके ओके, चलो आई होप तुम लोगों को सवाल ही समझ में आया है। PDF। हाँ, इसका एक काम ये कर सकते हो कि वन नोट का ऐप अगर डाउनलोड कर लो इफ यू हैव स्पेस, तो ये मैं सेक्शन ही शेयर कर सकता हूँ, इसमें ऐसे खोल के देख ले सकते हो। यहाँ पे PDF अच्छी नहीं बनती कई बार, यू कैन सी दिस देन दिस लेक्चर आल्सो एक एक ही जगह पे, देन नेक्स्ट लेक्चर यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी सर, ठीक है, चलेगा। यस यस ओके, चलो ये तो हमारा हो गया अभी R2 वाला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। वन नोट होमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होमवर्क। होमवर्क असाइनमेंट वन पहले तो करना है पूरा सर। कितने समझे उसमें? नहीं ज्यादा नहीं है, कंप्लीट कर लो। सम्स कितने हैं? 67 पेज पे। ठीक है, मोबाइल पेज, मोबाइल में खोलोगे तो 65 आएगा, वैसे भी 65 ही आना चाहिए आई थिंक सो। पेज बाय पेज वैसे 67 आ रहा है, पेज बाय पेज 67 आ रहा है पेज बाय पेज, और PDF के अंदर पेज का नंबर है 65। PDF पेज 65, ठीक है। बस क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है ओनली। तो एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ तुम लोगों से, टिल लेक्चर फोर सॉल्व ऑल दी आइस क्वेश्चंस, ठीक है। दो काम दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा। सबमिट कब तक करना है? सर नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास पता नहीं कब है मुझे, अब कैसे बताऊं? मंडे। चलो ठीक है, तो मंडे छोड़ो तुम, संडे ईओडी कर दो, ठीक है सर। एक्चुअली ना सर, संडे को टेस्ट है और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का होमवर्क है सर। ओके, तो मतलब मंडे को दिन में करोगे क्या ऐसा? मतलब सर संडे शाम को बैठेंगे तो सर मंडे तक हो जाएगा ऐसे। ओके ठीक है, मंडे क्लास तक या मंडे ईओडी। ओके मंडे तक कर, चलो try to solve, try, just try. Okay sir. Yes sir. Can you send the PDF of homework again? Assignment का PDF. Okay. Sir, assignment 2 नहीं करना है, सिर्फ 1 ही करना है ना बस। हाँ अभी 1 करो। Okay. धीरे-धीरे हम और भी देंगे। Now what next? Next क्या हमें पढ़ना है? उसको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ तुम्हें। देखो, जो वेव नेचर है, उसके लिए हमने इंटरफेरेंस पढ़ाया तुम्हें, उसकी वीडियो भी दिखाई है। इंटरफेरेंस पढ़ाया ना, कंस्ट्रक्टिव भी है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव भी है, सारे टाइप के इंटरफेरेंस हैं, वो मैंने पढ़ाया तुम्हें, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, डिफ्रैक्शन पढ़ाया, ये सब किसको सपोर्ट करते थे? बोलो, वेव नेचर ऑफ लाइट। हाँ अच्छा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो पढ़ाया, दैट इज फोटॉन्स क्वांटम्स, ये जो मैंने पढ़ाया है पार्टिकल वाला पढ़ाया जो, ये इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो है पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक? उसका हमने यूज पहले कर लिया है। कहाँ कहाँ यूज कर लिया उसका? बल्ब वाले क्वेश्चन में यूज कर लिया उसका। मैंने यूज कहाँ पे कर लिया? बॉन्ड ब्रेकिंग में कर लिया ना।
यूज कर लिया उसका, मतलब वो एज ए एप्लीकेशन से समझ सकते हो, वो दैट्स आर द एप्लीकेशंस, क्योंकि बल्ब से हमें कुछ दिखता नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे कि वो किस फॉर्म में दे रहा है, बट हमने पार्टिकल नेचर मान के वहां पर फोटॉन्स को सॉल्व किया है। बॉन्ड ब्रेकिंग में भी हमने बोला है कि एक फोटॉन एक ही बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है, एक फोटॉन एक बॉन्ड को एनर्जी देता है, तो फोटॉन एक बॉन्ड को एनर्जी नहीं दे सकते, दैट्स क्वांटाइज्ड, मतलब अगर एक सफिशियंट एनर्जी हम ना डालें तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये बॉन्ड मान लो 10 जूल पे ब्रेक कर रहा है, या पर मोल के हिसाब से कोई वैल्यू मैंने दी है, मान लो चलो लेट्स से एक जूल पे ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ए और बी के बीच का, मैंने इस पे 0.55 जूल्स के दो फोटॉन्स डाले, क्या ये ब्रेक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी? टेल मी। यस। नहीं ब्रेक होगा। नहीं सर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझ में आएगा, इसमें नहीं समझ में आएगा, इसीलिए फोटोइलेक्ट्रिक में पढ़ा रहे हैं। क्या होता है इस चीज को समझना जो मैंने यहाँ पे बोला है, अगर वेव होता तो इंटरफेरेंस हो जाता दोनों का, हो जाता कि नहीं हो जाता, तो मिलके एक 1 जूल की वेव बन जाती तब टूट जाता, लेकिन वेव तो है नहीं, कैसा है ये पार्टिकल, मतलब ये एक ही किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ये भी किसी एक को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ये दोनों मिलके एक को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस चीज को हम पढ़ते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, बहुत आराम से समझोगे, पहले उसके नाम से समझ लोगे। फोटो मतलब क्या है बताओ? फोटॉन्स है, लाइट है, क्या है? फोटॉन्स, लाइट, ये किसी चीज पे क्या हो रही है, इमिट हो, ये इंसिडेंट हो रही है, रेडिएट हो रही है, ये रेडिएशन कर रहे हैं इसका, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है। और मेटल्स में क्या होते हैं बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस। मतलब बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, सरफेस के अंदर ही रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते, यहाँ पे नहीं बैठा रहता इलेक्ट्रॉन, रहेगा तो इस मेटल के अंदर ही ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव द एनर्जी। जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन से और बाकी चीजों से लड़ते हुए बाहर निकलता है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बोलो? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? क्या बोलो? यस सर। यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे अच्छे से। जस्ट एक उनको मैंने ओवरव्यू दे दिया है। ये वाला पार्ट आप फिर से पढ़ाओगे ना नेक्स्ट क्लास में? हाँ बिल्कुल, ये तो स्टार्ट है। जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक का नाम समझ में है ना, फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन यूजिंग फोटोन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन वगैरह सब क्या होगा। प्लीज सेंड द असाइनमेंट पीडीएफ इन द ग्रुप बिकॉज आई ज्वाइन टुडे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम अत्रिया, आज ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नथिंग इज बॉदरिंग यू, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या है, दो दो चीजें इसमें लिखी हुई है एक साथ? ओके, आई थिंक मैं तुम लोग को इसमें ही पढ़ाते आ रहा हूँ सबसे, एक ही पीडीएफ में। ओके सर, सर आप भेज दीजिएगा प्लीज सर आज सर। हाँ मैं वन हाँ सर, चलेगा। डाउनलोड करते हो तो काफी अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। बट आई विल ट्राई टू मेक अ पीडीएफ। पीडीएफ अच्छी नहीं बनेगी इसलिए सब कुछ अजीब सर। वन नोट का लिंक दोगे? लिंक आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं पे भी जाके सर अगर टाइप करेंगे तो हो जाएगा। वन नोट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट करने का? हाँ वो सर लिंक भेज देंगे ना। मैं एक लिंक भेजूंगा, उस पे जाओगे ऑटोमेटिक। जिनके पास वन नोट ऐप नहीं है नो प्रॉब्लम, लैपटॉप पे डायरेक्ट खुलता है, ठीक है, वेबसाइट। ओके सर, आप कब तक भेजोगे? मैं आज शाम तक भेजता हूँ। ओके सर, बुकलेट में अभी भेज रहा हूँ एट द टाइम, ठीक है। ओके बच्चे को बुकलेट भी नहीं है, बुकलेट में अभी भेज देता हूँ।
और ट्राई टू रिवाइज, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तब एक मिनट नीचे जाओगे क्या थोड़ा सा सर? हाँ स्क्रॉल करोगे थोड़ा नीचे सर? थोड़ा नहीं सर, इतना भी नीचे नहीं। ये क्या है ये तो कुछ और ही है। हाँ सर अभी सर जब हमने अभी पढ़ा सर, थोड़ा ऊपर नहीं सर, ऊपर थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन दिखाए हैं सर, देखो ये है ना सर। हाँ सर छोटा कर दीजिए ना पहले की तरह, जैसे आपने किया था, बहुत छोटा भी चलेगा। ओके YouTube पे रिकॉर्डिंग है? यस अत्रि रिकॉर्डिंग है। तो मैं अभी जिस जिस नंबर से मैं डाल रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है, उस नंबर पे तुम मुझे हाय लिखना, मैं तुमको रिकॉर्डिंग ढूंढ के भेजता हूँ। ओके देखो मैंने भेज दिया, बुकलेट मैंने सेंड कर दी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ होमवर्क भी क्या है। चलो बाय बाय एंड बाय सर। यस बाय बाय सर, थैंक यू सर। Yes, bye bye, thank you. Bye.